पुलिस के ऐसे एक्शन की तस्वीरें शायद ही पहले आपने कभी देखी होंगी। दिल्ली पुलिस की जो महिला अधिकारी थी वो भी इसमें जो है गिरफ्तारी कर रही है। तमाम बुरके में आई हुई महिलाओं को AYM के समर्थकों को गिरफ्तारी की गई और कुछ जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे प्रदर्शन के लिए उनको भी जो घसीट करके दिल्ली पुलिस के थाने के अंदर ले जाया गया। ऐसा एक्शन दिल्ली में हो रहा है। राकेश अस्थाना जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। संवैधानिक अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये संविधान ने अधिकार दिया है। लोग चाहे दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली को शक्ति दिखाते हुए नजर आ रही है और इनको घसीट करके ले जाया जा रहा है। तो कुछ लोग और भी जो AYM के तो समर्थन में आए हुए थे उनको भी लग रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो डिटेन करने की कोशिश कर रही है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, डिटेन किया जा रहा है क्या? तो कुछ बताएंगे ना आप? कुछ नहीं किया जा रहा। ठीक है, नहीं ये इस तरह से मतलब ले जा कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, किस वजह से? आप किस लिए आए ये बताइए। आप किस लिए आए हो? नहीं सर, मतलब कोई अपनी आवाज अपना मतलब हर तरह से मतलब शर्मा के विरोध में आप लोग मतलब डिटेन किया जा रहा है क्या? जंतर मंतर बुलाया गया था लेकिन आप लोगों को ले जाओ इधर आ जाओ। मेरा डंडा दे दे, डंडा दे दे, मेरे डंडा ले जाऊंगा, डंडा मेरे दे दे। वजह बताइए ना सर। मैं दिल्ली पुलिस की जो महिला ऑफिसर है देखेंगे लेडी सिंघम की तरह नजर आ रही है। कुछ बुरके में वहां पर महिलाएं हैं उनको डिटेन करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। ये लोग भी क्या AYM के AYM के समर्थन करने जो महिला आई हुई थी उनको जो है दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है और दिल्ली पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं वो अब उनको यहाँ से ले जा रही हैं दिल्ली पुलिस से संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर। आप लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के संसद मार्ग से। AYM के तमाम समर्थकों को एक एक करके जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार एक के बाद एक जो है कदम उठा रहे हैं और सख्ती से जो है वो घसीटते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को AYM के यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो AYM के तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज हिंदी। हमारी टीम से मौजूद है जो संसद मार्ग का पुलिस स्टेशन है उसके सामने। यहाँ पर देखेंगे तमाम जो पुलिस है वो तैनात है। AYM की तरफ से ऐलान किया गया था कि जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे एक प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा जिसमें नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जो जिंदल हैं उनके खिलाफ जो है मांग उठाई जाएगी कि उनको जेल में डाला जाए। सिर्फ पार्टी से निकालने से काम नहीं चलेगा, ये मांग उठा रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AYM। लेकिन बाद में ये प्रदर्शन जो है वो कैंसिल कर दिया गया और AYM के तमाम कार्यकर्ताओं को इस संसद मार्ग जो पुलिस स्टेशन यहाँ पर लाया गया और उसमें बस में भर करके उनको यहाँ से कहीं दूसरी जगह जो है वो ले जाया गया। लेकिन उनकी ओर से प्रदर्शन जारी था और लगातार तमाम उनके कार्यकर्ता जो है वो मांग उठा रहे थे कि नवीन जिंदल और जो नुपुर शर्मा हैं उनको सजा हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तमाम पोस्टर्स में लिखा हुआ था किस तरीके से UAPA के तहत कार्रवाई की जाए, गुस्ताखे रसूल की जो सज़ा है वो उनको मिलनी चाहिए, इस तरीके के नारेबाजी जो है वो हो रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सख्त कदम उठाया और दिल्ली पुलिस ने जो बयान अभी तक ऑफिशियल जारी नहीं किया लेकिन अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में उस तरीके की घटना ना हो जिस तरीके की कानपुर में हुई, तमाम अन्य जगहों पर हुई, उस घटना को के एहतियातन दिल्ली में कदम उठाया और दिल्ली पुलिस ने जो भी लोग इस तरीके प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे उनको जो है वो डिटेन कर लिया है। और जो वकील या उनकी तरफ से लीगल पक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी दिल्ली पुलिस ने सामने से पकड़ा। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे यहाँ से, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।